मानवता को शर्मसार किया। एक महिला को जगह जगह से चूहों ने काट रखा है, जगह जगह से खून निकल रहे हैं, लेकिन इस महिला की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आखिर पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। मानवता को शर्मसार करती तस्वीर। आशा सहयोगी को चूहों ने काटा, परिवार ने मंजू को भुला दिया। महिला के शरीर पर इन घावों को देखिए और देखिए ये तस्वीरें। ये तस्वीरें ना तो बुंदेलखंड की हैं और ना ही किसी बीहड़ या फिर तरक्की की रफ्तार से कोसों दूर किसी गांव की। ये तस्वीर है राजस्थान की राजधानी में आमेर के रुंडल गांव की। राजधानी में ही एक आशा वर्कर को चूहों ने कुतर दिया। जी हां, ठीक सुना आपने। दिल को दहला देने वाली ये हकीकत राजस्थान की राजधानी जयपुर की ही है। महिला की ये हालत देखकर हर कोई सन्न है। मुझे कल रात को पता चला कि रुंडल गांव में एक महिला है जिनका नाम मंजू अग्रवाल है, उनके साथ दयनीय स्थिति हो रही है। उनके परिवार वालों ने उनको छोड़ दिया है, जगह जगह से चूहों ने कुतर रखा है, उनके कीड़े बढ़ गए। हमने बहुत मुश्किल से उनके ड्रेसिंग के चार आदमियों को बुला के हमने उनको उठाया। उठने की हिम्मत नहीं थी, कपड़े चेंज उनके करवाए, कपड़े उनके बिल्कुल गंदगी में भरे हुए थे। आज हालत ये है यहाँ की कि उस औरत को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह महिला बाल विकास विभाग के अधीन आशा सहयोगिनी के तौर पर काम करती है, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग ने अभी भी इसकी कोई सुध नहीं ली। आमेर की रहने वाली मंजू अग्रवाल की इस दयनीय स्थिति का पता जब कुछ समाज सेवियों और सरपंच लक्ष्मी नारायण को लगा तो तुरंत विभाग को सूचना दी गई। मंजू अग्रवाल मिर्गी के दौरे और कई बीमारियों की शिकार है। इस मुश्किल घड़ी में परिवार भी उनका साथ नहीं दे रहा है। ऐसे हालात में बेघर मंजू को एक मंदिर में गुजारा करना पड़ रहा है। चूहों का शिकार हुई मंजू की अब सुध आखिर कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आशीष